लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई में गर्जे पोटी घरों को नियमित करने की तैयारी कर ली है? नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की माने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रकल्पग्रस्तों द्वारा निर्मित गर्जे पोटी घरों को रेगुलर करने को हरी झंडी दे दी है और जल्द ही महाविकास आघाड़ी सरकार गांवठानों के ऐसे मकानों को नियमित करने की घोषणा कर सकती है। जाहिर अगले कुछ महीनों में नवीं में मनपा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ शिवसेना इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ भुनाने की कवायद में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के गर्जे पोटी निर्मित मकान अब रेगुलर होंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का वादा तो यही संकेत दे रहा है कि नवी मुंबई में महानगर पालिका चुनाव जल्द होने वाले हैं। जाहिर है इन वादों पर 10 चुनावों से निर्णय का इंतजार है। वैसे हर चुनाव के बाद प्रकल्पग्रस्त निराश होते रहे हैं, लेकिन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे भरोसा दिला रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पनवेल और नवी मुंबई में निर्मित गर्जे पोटी घरों को रेगुलर करने की तैयारी में है। नगर विकास मंत्री की माने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसे मंजूरी दे रखी है। इसे घोषित करने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और मामला निर्णायक दौर में है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द ही नवी मुंबई के भूमि पुत्रों और प्रकल्पग्रस्तों को न्याय देने वाली है। गर्जे पोटी घर जी आहे नव्या मुंबईचा जो विषय आहे पनवेल आपल्या पनवेल महापालिका उरण या भागातल्या आणि नव्या स्पेसिफिक नवी मुंबईमध्ये जी गर्जे पोटी घरं बांधली आहेत भूमिपुत्रांनी तो देखील प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवलेला आहे। मी नगर विकास खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती केली तात्काळ यावर आपल्याला निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ही सगळी घरं जी आहेत ही नियमित करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या बाबतीमध्ये अनेक बैठका झाल्यात आणि हा निर्णय जो आहे अगदी अंतिम टप्प्यात आहे। या सर्व भूमिपुत्रांना गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकाम केलेल्या सगळ्या गावकऱ्यांना भूमिपुत्रांना महाविकास आघाडी तात्काळ लवकरच न्याय देणार आहे। सुना आपने, अगर आप प्रकल्पग्रस्त हैं और अपने गावठानों में गर्जे पोटी मकान बना चुके हैं तो नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के इन वादों को याद रखिएगा। यह बयान इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि अगले कुछ महीनों में ही नवी मुंबई मनपा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना और सत्तारूढ़ सरकार के मंत्रियों का यह चुनावी जुमला भी हो सकता है, जैसा कि अब तक होता रहा है। हर आम चुनाव से पहले प्रकल्पग्रस्तों को वादों की अफीम चटाई जाती रही है ताकि उनका वोट बटोरा जा सके। वैसे भी नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण विरोध के चलते शिवसेना और उद्धव सरकार प्रकल्पग्रस्तों के निशाने पर हैं। माना जा रहा है कि मंत्री एकनाथ शिंदे गर्जे पोटी मकानों को नियमित करने का फैसला कराकर प्रकल्पग्रस्तों को रिझाना और खुद की धूमिल छवि को चमकाना चाहते हैं। ऐसे में उनके वादों को परखने की जरूरत है। अनेक प्रकल्पों मग तो पूल असेल, फ्लायओवर असेल, रस्ते असतील, ते अनेक वर्षापासून जे रखडलेले आहेत, जे भूमिपुत्रांचे प्रश्न आहेत, गेले अनेक वर्ष श्रेयासाठी क्रेडिट घेण्यासाठी जे रखडवले तसं काम आम्ही केलेलं नाही, त्यामुळे लोकांमध्ये मेसेज जायचा तो गेलेला आहे आणि याची प्रचिती येत्या निवडणुकीमध्ये येईल। जाहीर अगर ऐसा निर्णय होता है तो यह सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। वह प्रकल्पग्रस्तों का वोट बटोरने के लिए मनपा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जाहिर है यह बीजेपी के लिए भी टेंशन भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।